दोस्तों, यूँ तो आपने लिफ्ट का इस्तेमाल अपने जीवन में बहुत बार किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर लिफ्ट में ये शीशे क्यों लगे होते हैं? और तो और, आपने पुलिस की वर्दी में ये रस्सियाँ तो देखी ही होंगी। आखिर ये रस्सियाँ क्यों लगी होती हैं? या फिर कभी न कभी आप लोगों ने इन दवाइयों के बीच में एक सीधा निशान तो देखा ही होगा। बट क्या आपको इस लाइन का मतलब पता है? और इतना ही नहीं, आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर रिचार्ज सिर्फ 28 दिन का क्यों होता है। सो गाइस, वेलकम टू फैक्ट इज टॉकिंग। आज हम इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, आखिर बिस्किट्स में ये छेद क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने भी बहुत सारे बिस्किट्स में यह छेद तो देखा ही होगा। कई लोगों को यह केवल डिजाइन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का भी एक खास उद्देश्य होता है। दरअसल बिस्किट में यह छेद जानबूझकर किए जाते हैं, ताकि बिस्किट को जब पकाया जाए तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक सके, और ऐसा करने से बिस्किट में क्रंचीपन भी आता है। नंबर 9, आखिर रतन टाटा जी की शर्ट में जेब क्यों नहीं है? दरअसल दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति हैं जो साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं, और रतन टाटा जी का सारा समय इस देश की उन्नति और अपने एम्प्लॉयज की खुशियों के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, और वह हमेशा फ्री माइंड के साथ कहीं जाते हैं। इसलिए रतन टाटा बिना जेब वाली कमीज पहनते हैं, क्योंकि वह कोई बोझ लेकर नहीं घूमना चाहते। और एक बात यह भी है कि रतन टाटा को बिना जेब वाली शर्ट का शौक है, जिसकी खरीदारी न्यूयॉर्क के ब्रुक्स ब्रदर्स से करते हैं। नंबर 8, आखिर रिचार्ज 28 दिन का क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है, कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी महीने में 31, और फरवरी में तो कभी 28 तो कभी 29। इसलिए कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज देती हैं, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही हैं। इसकी दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती हैं तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा है, क्योंकि हर महीने के जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इससे ये कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज कराती हैं। नंबर 7, मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? माना जाता है कि ग्रीस यानी यूनान से मोमबत्ती को बुझाने की परंपरा आरंभ हुई। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग केक पर जलती हुई मोमबत्तियों को लेकर अपने पूजा स्थल पर जाते थे, और जलती हुई मोमबत्तियों से ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे, फिर इन मोमबत्तियों को बुझाते। दरअसल इनका ऐसा विश्वास था कि मोमबत्तियों का उड़ता हुआ धुआं सीधा भगवान के पास जाता है। मैं एक बात बता दूं कि ये मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की पश्चिमी देशों की प्रथा आपको बीमार भी कर सकती है। क्लेमसन यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध किया गया, जब हम मोमबत्तियाँ बुझाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया केक में चले जाते हैं, वहीं जब आप किसी को केक खाने के लिए देते हैं तो लोग केक कम बैक्टीरिया ज्यादा खाते हैं। रिसर्च बताती है कि जन्मदिन के मौके पर मोमबत्ती लगाना और उन्हें बुझाना सेहत के लिए घातक हो सकता है। सनातन देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियाँ जलाना तो शुभ है, लेकिन उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना गया है। नंबर 6, किसी की मृत्यु हो जाने पर RIP क्यों लिखा जाता है? आइए जानते हैं। RIP का फुल फॉर्म रेस्ट इन पीस होता है, यह बात तो हम सबको पता है। इस शब्द का प्रयोग लोग अक्सर आत्मा की शांति की कामना के लिए करते हैं। अगर हम इस शब्द को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो रेस्ट का मतलब आराम और पीस का मतलब शांति है, और जब हम रेस्ट इन पीस एक साथ बोलते हैं तो इसका मतलब आत्मा की शांति के साथ आराम करने से भी है। रेस्ट इन पीस पूरी तरह से इंग्लिश वर्ड है, और यह ज्यादातर ईसाइयों तथा अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाया गया है, लेकिन भारत में भी इंग्लिश का दौर है, इसलिए भारत के लोग भी इस शब्द का प्रयोग करते हुए आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। नंबर 5, एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों? एक विमान में जितना कम वजन होगा उतना ही उसका ईंधन और पैसा बचेगा। ऐसे में एयरलाइन कंपनियां अपना पैसा बचाने के लिए कुछ भी करती हैं। देखा जाए तो महिलाओं का वजन पुरुषों के सामने काफी कम होता है। कम वजन विमान कंपनी के लिए एक फायदे का सौदा होता है, इसलिए एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ज्यादा होती है। नंबर 4, आखिर पुलिस की वर्दी में ये रस्सी क्यों लगी होती है? सबसे पहले आपको बता दें कि पुलिस की यूनिफॉर्म में लगी यह रस्सी ऐसे ही नहीं लगाई जाती, इसका अपना एक काम होता है। बता दें कि पुलिस यूनिफॉर्म में लगी इस रस्सी को लैनयार्ड कहा जाता है। इस रस्सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह रस्सी पुलिस वालों की पॉकेट में जा रही होती है, क्योंकि इस रस्सी के साथ एक सीटी बंधी होती है जो पुलिस वालों की जेब में रखी होती है। अगर साफ शब्दों में बात करें तो इस रस्सी का काम सीटी टांगने के लिए होता है। नंबर 3, आखिर अस्पताल पर लाल प्लस का निशान क्यों होता है? दरअसल जिस प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है वह रेड क्रॉस का संकेत है, जो चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक स्वैच्छिक संगठन है। यह संकेत हमेशा अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी इत्यादि में पाया जाता है।
नंबर 2, बहुत से दवाइयों के बीच में एक सीधा निशान बना होता है जिसे डिबॉज्ड लाइन कहते हैं। इस लाइन का मतलब होता है दवा बीच से तोड़कर खाई जा सकती है। इस तरह के निशान उन्हीं दवाइयों पर बने होते हैं जो ज्यादा क्षमता की होती हैं। नंबर 1, हम सभी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हाई राइज टावर्स का कॉन्सेप्ट ही लिफ्ट पर टिका होता है। ऊंची इमारत में घर हो या दफ्तर, आने जाने के लिए इसी एलिवेटर का इस्तेमाल होता है। दुनिया की पहली लिफ्ट कहाँ लगी थी, उसका इतिहास क्या है, लिफ्ट में कांच क्यों होते हैं, तो आइए जानते हैं। लिफ्ट में शीशे लगाने से लोगों का ध्यान भटकता था और गिरने का डर नहीं रहता था। शीशे दरअसल लिफ्ट के बड़े होने का ऑप्टिकल भ्रम देने में मदद करते हैं। इसका फायदा उन लोगों को भी होता है जो एक बॉक्स के भीतर खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते थे, यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया पीड़ित लोगों का डर दूर करने के मकसद से ऐसा किया गया था। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।